हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रैमर्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। क्रैमर्स रूल आपने सुना होगा, डिटरमिनेंट में उसका क्या यूज है हम लोग जानते हैं। तो क्रैमर्स रूल, हम लोग मान दो इक्वेशन लिए हैं, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। डिटरमिनेंट में कुछ टर्म का यूज होता है जिसको आपको याद रखना होगा। जैसे टर्म होगा यूज डेल्टा, तो डेल्टा क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई का डिटरमिनेंट। तो ये a1 b1 एंड हो जाएगा a2 b2, तो यही है आपका डेल्टा। ठीक है, एक टर्म यूज होगा यहाँ Δ1। ठीक है, तो Δ1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के जगह पे कांस्टेंट टर्म आ जाता है। Δ1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के जगह पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a1 a2 के जगह पे आ जाएगा c1 c2, ये हो जाएगा b1 b2, तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये Δ1। Δ2 एक यूज होगा, Δ2 मतलब y के जगह पे आ जाएगा c1 c2, कांस्टेंट टर्म। तो a1 a2 ये रहेगा ही, ये आ जाएगा c1 c2। ठीक है, ऐसा बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि x जो होगा आपका वो होगा Δ1 अपॉन Δ, एंड y जो होगा ये होगा Δ2 अपॉन Δ। क्लियर है? अच्छा, ये Δ1 है क्या, ये हो जाएगा c1 b2 - c2 b1 अपॉन डेल्टा क्या है, a1 b2 - a2 b1। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ये कहाँ से आता है ऐसा, तो ऐसा आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन द्वारा सॉल्व करते हैं तो x की यही वैल्यू आता है। ठीक है, तो इसी को याद रखने के लिए, यहाँ अच्छा समझने के लिए, या कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म करके याद ही रखने के लिए Δ1 अपॉन Δ का यूज करते हैं। ठीक है, वाई होता है Δ2 अपॉन Δ। क्लियर, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3y = 4 एंड 5x - 2y = 6। ठीक है, तो अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा क्या होता है, 2, 3, 5 - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 - 15, मतलब -19। ठीक है, Δ1 निकालेंगे, Δ1 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, एंड ये 3 - 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 - 18, तो ये क्या हो जाएगा, -26। ठीक है, -26। Δ2 निकालेंगे, तो Δ2 क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 4.6, तो ये हो जाएगा 12 - 20 = -8। ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल x क्या हो जाएगा, Δ1 अपॉन Δ। तो Δ1 क्या है, -26 अपॉन Δ1, इतना है डेल्टा है -19, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया 26 अपॉन 19। y क्या है, Δ2 अपॉन Δ, तो ये क्या है, Δ2 - 8 अपॉन - 19, तो ये आ गया 8 अपॉन 19। तो इस तरह से करके हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये इससे आसान तो आपको लग रहा होगा कि अरे दो इक्वेशन दिया हुआ है, एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर लेते हैं, तो वो सब मेथड आपको आसान लगता होगा। लेकिन जब इक्वेशन 3-3 वेरिएबल में आ जाए, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को क्रैमर्स रूल ही हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रैमर्स रूल के पास। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो उसको हम लोग ये क्रैमर्स रूल में नहीं जाएंगे और डायरेक्ट हम लोग जो अपना मेथड है उससे सॉल्व कर लेंगे। इसमें यूनिक सोल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन था, a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या था, सभी का कोएफिशिएंट a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 इक्वल होना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए क्या था, a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल होगा, c1 upon c2 इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर दो ही वेरिएबल में हो तो हम लोग क्रैमर्स रूल में नहीं आएंगे, डायरेक्ट हम लोग वही रूल का यूज करके एलिमिनेशन मेथड या और भी जो भी मेथड है उसका यूज करके हम लोग कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका यूज 3 वेरिएबल में कैसे करते हो, यही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग के पास ये 3 इक्वेशन ऐसा है, a1x + b1y + c1 = d1।
ठीक है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू डी टू एंड ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री, अच्छा यहाँ सी वन जेड सी टू जेड सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री, तीन वेरिएबल में होना चाहिए ना, हाँ ऐसा है। तो यहाँ भी वैसे ही हम लोग डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा क्या होता है कि कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ठीक है। डेल्टा वन निकालेंगे, तो डेल्टा वन क्या होता है कि x के जगह पे बस कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसा। डेल्टा टू जो होगा वो क्या होगा कि y के जगह पे d1 d2 d3 लिखेंगे, तो ये होगा a1 a2 a3 और b1 b2 के जगह पे d1 d2 d1 d2 d3 एंड c1 c2 c3, ठीक है। और डेल्टा थ्री के जगह पे लिखेंगे, डेल्टा थ्री क्या होगा, डेल्टा थ्री क्या हो जाएगा कि जेड के जगह पे लिखेंगे क्या, वही डी वन डी टू डी थ्री, तो ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री एंड ये होगा डी वन डी टू डी थ्री, ठीक है। तो ये टर्म को हम लोग को यूज करना होगा, देन लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल, क्या होगा x जो होता है वो होता है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y जो होता है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा एंड z जो होता है ये होता है डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि ये, अच्छा ये क्या है, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड इक्वल टू डी वन, ये जो है एक प्लेन के इक्वेशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास तीन प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ कि हमेशा ये सॉल्वेबल नहीं होगा, मतलब हमेशा इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कभी एक भी सॉल्यूशन हो सकता है, कभी नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो क्या होता है कंडीशन, तो कंडीशन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ कंडीशन लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। हाँ तो देखिए, अगर डेल्टा क्या है जीरो नहीं है तब तो इक्वेशन पॉसिबल है, ठीक है, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा जीरो नहीं है, ठीक है, तब डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कुछ भी रहे हम लोग के पास एक इक्वेशन मिल जाएगा, देन वी हैव या सिस्टम हैव, सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ना, देन लिखिए सिस्टम हैज क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम के पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये है केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, हमेशा हम लोग पहले डेल्टा को निकालेंगे, डेल्टा अगर जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। केस सेकंड, ठीक है, कि डेल्टा जीरो आ गया, ठीक है, डेल्टा जीरो आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जीरो एंड अगर डेल्टा जीरो आ जाता है तब हम लोग के पास दो चॉइस होता है, दो कंडीशन होता है, दो केस होता है, क्या कि डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री निकाले, ठीक है, एंड डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री आर नॉन जीरो, ठीक है, ये जीरो है एंड डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ये सब क्या है, नॉन जीरो है, तब इसके पास क्या होगा, देन सिस्टम हैज नॉन नो सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। यहां मैं क्या लिखा हूं, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री वन ऑफ लिखिए, वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री आर नॉन जीरो, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से कम एक नॉन जीरो है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये सिस्टम के पास क्या है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। केस थ्री ऐसा है कि अगर डेल्टा आ जाए मेरा जीरो एंड डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सब क्या आ जाए जीरो, देन सिस्टम हैज
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब हम लोग इसको एक बार बढ़िया से देखते हैं, याद कैसे रखेंगे, क्या करना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब भी दिया रहेगा डेल्टा लिखेंगे कि डेल्टा निकालेंगे, ठीक है, डेल्टा। तो या तो डेल्टा जीरो नहीं आएगा या तो क्या आएगा, डेल्टा जीरो आएगा, ठीक है। तो डेल्टा जीरो नहीं है तो कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन पॉसिबल होता है तब हम लोग इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। डेल्टा जीरो है तो हम लोग के पास दो केस है, ठीक है। डेल्टा जैसे ही जीरो आया हम लोग डेल्टा वन निकालेंगे। डेल्टा वन निकालते ही अगर डेल्टा वन नन जीरो है, ठीक है, सबसे पहले डेल्टा जीरो आया, डेल्टा वन नन जीरो है तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे इसके पास नो सॉल्यूशन। अगर डेल्टा वन भी जीरो आ गया तो डेल्टा टू निकालेंगे। डेल्टा टू नन जीरो है तब हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन। अगर डेल्टा टू भी जीरो आ गया तब हम लोग डेल्टा थ्री निकालेंगे। डेल्टा थ्री अगर भी नन जीरो आ गया तो कहेंगे नो सॉल्यूशन। अगर डेल्टा थ्री भी जीरो आ गया तब हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम लोग को मतलब कि जहाँ जीरो नहीं आया वहीं कहानी ख़त्म, ठीक है। हाँ, हम लोग पहले डेल्टा निकालेंगे, जीरो नहीं आया बस बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर जीरो आ गया तब डेल्टा वन निकालेंगे, वहाँ से भी हम लोग को मिल जाएगा। अगर जीरो नहीं आया तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। डेल्टा टू निकालेंगे, जीरो नहीं आया, नो सॉल्यूशन। डेल्टा थ्री निकालेंगे, जीरो नहीं आया, नो सॉल्यूशन। अगर सब जीरो आ गया मतलब आपका किस्मत ही खराब है, तो यहाँ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री आर नन जीरो, कम से कम एक, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ लिख सकते हैं, कम से कम एक एटलीस्ट, ठीक है, कि इसमें से कोई भी एक, कम से कम एक, ठीक है, या कोई एक जो है नन जीरो आ गया तो हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन। तब इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है कि डेल्टा जीरो है एंड डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सब क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन डायरेक्ट बोलेंगे। तब इस केस में क्या हो गया, कंसिस्टेंट। जहाँ सॉल्यूशन पॉसिबल हुआ वहाँ हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो यही हम लोग को अभी हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है बस, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल यही होता है।